बात शाम 4 बजे की है, जब जहांगीरपुरी इलाके में शोभा यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा के ब्लॉक तक जानी थी, पर सी ब्लॉक तक पहुंचते ही बवाल हो गया। यात्रा के दौरान वहां मौजूद लोगों ने बताया कि पहले किसी बात पर मामूली कहासुनी हुई। ये मामूली कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बवाल बढ़ा और हिंसा फैल गई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। सार्वजनिक संपत्ति के साथ तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों में आग लगाई गई। हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान 16 अप्रैल दिल्ली में जहांगीरपुरी में ये हिंसा हुई। इस हिंसा में 9 लोग घायल हुए। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, मामले की परतें खुल रही हैं। जहांगीरपुरी में हिंसा से ठीक पहले शोभा यात्रा का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। वीडियो में शोभा यात्रा में शामिल युवकों के हाथ में हथियार नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में शॉटगन है तो किसी के पास पिस्टल। वीडियो में तेज आवाज में गाने बज रहे हैं। शोभा यात्रा में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और साथ ही भीड़ में शामिल युवक तलवार, पिस्टल और शॉटगन्स लहरा रहे हैं और झूम रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठने शुरू हो गए। जाहिर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हनुमान जयंती शोभा यात्रा में इस तरह के जानलेवा हथियारों की क्या जरूरत है? इस तरह के हथियार लेकर चलने की मंजूरी कहां से मिली? भारत में संविधान और कानून के हिसाब से सार्वजनिक स्थानों पर इस तरीके से हथियार लहराना गैर कानूनी है। जी हाँ, गैर कानूनी है। मामले की जो जानकारी अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक शोभा यात्रा की जानकारी पुलिस को थी और इस दौरान पुलिस वहां मौजूद भी थी। फिर आखिर पुलिस के सामने हथियारों का ये प्रदर्शन कैसे हुआ? इधर दिल्ली पुलिस ने हिंसा के बाद FIR दर्ज कर ली है। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम है जाहिद अंसार, शहजाद, मुख्तियार, मोहम्मद अली, आमिर, अक्षार, नूर आलम, मोहम्मद असलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली और आहिर। गिरफ्तार होने वाले आरोपियों में से 2 असलम और अंसार आरोपी रिपीट ऑफेंडर्स हैं, यानी पहले भी उनके ऊपर जुर्म के सिलसिले में केस दर्ज हुए हैं। कई मामलों में गंभीर धाराएं भी लग चुकी हैं। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, सभी आरोपियों की पहचान पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक का कहना है कि जो लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं वो शुरुआती जांच का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि जांच अभी चल रही है और जो लोग हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी सौरभ ने। मैं हूँ आस्था, कैमरा के पीछे है उत्सव। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान। ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए। तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।